अगली खबर आ रही है बहराइच से, जहां 12 वफात के जुलूस में बड़ा हादसा हुआ है। जुलूस निकलने के दौरान झंडे के पाइप में 11,000 लाइन का करंट लग गया, जिससे मौके पर ही 5 लोग दुर्घटना का शिकार हो गए। गंभीर रूप से घायल घायलों का बहराइच के मेडिकल कॉलेज में इलाज हो रहा है। घटना बहराइच जिले के नानपाड़ा कोतवाली के मासूखपुर की है। आपको बताते चले कि दोनों घायलों की हालत नाजुक होने पर दोनों को बहराइच से लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। इधर से 4 बजे बच्चे लोग गए, तार वो देखे ना, अंधेरे में तार नीचे लाइट पड़ा था। गांव में भी बहुत नीचा लाइट है, हम लोग कंप्लेन भी डाले 2-3 बार, पैसा भी इकट्ठा करे, फिर भी उधर के बोले हाँ हो जाएगा, फिर हुआ नहीं। रात में बच्चे लोग गए, कम से कम 15-20 बच्चे थे, फिर वो लोग ऊपर देखे नहीं, नीचे भी तार था, वो उसमें करंट मार दिए, 6-5 बच्चे की मौत हो गई जगह पे, और एक चौरी कोटिया का, 2 उधर अस्पताल में भर्ती है। किसकी लापरवाही है ये बत्ती वाले विभाग के? हम लोग 2-3 बार कंप्लेंट भी मारे, पैसा भी इकट्ठा 8,000 भी देके है, उधर 8,000 उन लोग को देके है, बत्ती वालों को 8,000 हम लोग के पास जमा भी है। कम से कम 6 महीने से इधर हम लोग दौड़ भाग लगाए, वो एक केवलपुर का था, वो भी था, वो मर गया बेचारा, वो बात कराया था हम लोग से बत्ती विभाग वाले से, वो इधर गांव में पूरा चेक कर लीजिए, हमारे गांव का 3 मौजा है, 3 गांव में जाके देख लीजिए तार कैसा है। हम लोग चंदा लगा के अपना तार ज्वाइंट करते हैं, फिर भी तक जाता है, ऐसा हो रहा है, उसी वजह से हादसा हुआ। प्रधान भी बोला उधर उसे ज्वाइंट करने का, तो बोला हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। आज जुलूस कहाँ का था? 12 रबी अव्वल का था, उसी में गए थे। हाँ, गरबा है थाना नानपारा क्षेत्र का, यहाँ पर रात में जो बड़ा बाबा का जुलूस था, जुलूस रात में 2 बजे समाप्त हो गया था। जो परिजन है उनका ये कहना है कि बिना किसी को बताए हुए यहाँ से 8-10 लड़के एक ठेला लेके, जिसमें लोहे का पाइप बना था, वो लेके बगल के गांव की तरफ जो है निकल गए, और उसी दौरान जो है उनके ठेले में जो लगा पाइप है, वो जो दूसरा गांव मूसापुर है जहाँ का घटनास्थल है, वहाँ सड़क के दोनों तरफ तार गुजर रहा था, उसी बिजली के तार में जो है उनका लोहे का पाइप टच कर गया, जिसके कारण जो है एक दूसरे को बचाने के क्रम में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोग अन्य घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है। इसमें जो है वह पुलिस को जब सूचना मिली तो मौके पे हम लोग आए हैं, निरीक्षण किया गया है, परिजनों से बात की गई है, परिजन जो है वह पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं है, तो उनसे जो है वह अन्य जो है उनका कहना है कि दुर्घटना है और जो है वो अचानक से हुआ, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। पुलिस बल जो है वह मौके पे है और जो भी अन्य विधिक कार्रवाई है वो कराई जा रही है।